प्रेम से बोलिए शिष्य आनंदमयी मात की। माँ से प्रश्न है, माँ जप की संख्या निर्धारित कर लेने पर ध्यान संख्या में रह जाता है, ध्यान लगता नहीं, क्या करें? माँ, अच्छा एक बात है, ध्यान लगे ना लगे तुम ऐसे ही जप करो, गिनती रख के जप करना है, घबराना नहीं चाहिए। ये जो संख्या रखकर जप करने का छोटा सा बात है ना, इसमें एक बड़ा सुंदर तत्व है। तुम जो जप करते हैं भगवान के लिए जप करते हैं, वह भगवान को समर्पण करने का विधि रखा है ना। मेरी बात समझा कि नहीं? हर समय जो जप करते वह ठीक है, और जो संख्या निश्चित करके जप करते हैं उसे अर्पण करते हैं, समर्पण विधि रखा है। उसका मतलब क्या है? मतलब यही है, समर्पण का भाव रहते रहते भगवान को खुद का समर्पण कर दे। समझा है कि नहीं? यहाँ तो पढ़ा लिखा है नहीं, उठपटांग बात बताती है। जैसा बच्चे की कोई बड़ी कीमती चीज मिल गया, वह तो जानता नहीं, उसे नष्ट भी कर दे तो वे क्या करेंगे, उसे संभाल कर रख देंगे, और समय आने पर बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो उसे लौटा देंगे। तुम जो संख्या रख के नित्य जप कर रहा, भगवान का अर्पण कर रहा, उसमें क्या होता है? एक ही बात है, भगवान के पास तुम्हारा चीज रह गया, माने भगवान के पास तुम्हारे जप तप का फल रह गया। जब तुम में ग्रहण करने का योग्यता आ जाएगी तो वे तुमको फल लौटा देंगे, फल मिल जाएगा, माने तत्व प्रकाश का रास्ता खुल जाएगा। यह छोटा सा बात कहा, इसमें भी विराट बात है, सब तो अनंत है ना। प्रश्न करता, माँ साधकों का नाम में विश्वास हो, मन तद भावापन्न हो, नाम के अंदर छुपा हुआ गूढ़ तत्वार्थ प्रकाशित हो, इसके विषय में साधकों को कुछ बताने की कृपा कीजिए। माँ, बाबा जैसा बजाओगे यह शरीर को तो किसी ने पढ़ाया लिखाया नहीं, इसलिए सिर्फ इतना कहती है, भगवान का नाम में चमत्कार है, नाम लेते लेते नाम से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, शक्ति उत्पन्न होता है, भगवान का नाम लेने से कोई जो चाहे वह प्रकाश होता है, प्राप्त होता है, भगवान का नाम से भगवान का रूप गुण सब प्रकाश होता है, वह जो सगुण साकार निर्गुण निराकार सबके प्रकाश का भगवान रास्ता खोल देते हैं, जो जो रूप चाहे वह ही देखते हैं। आहा, निराकार साकार जैसा जल और बर्फ, बर्फ में जल है, जल में बर्फ है, सब में सब है, साकार स्वयं क्रिया रूप में रहा है, सगुण स्वयं ही गुण रूप में, और निर्गुण निराकार जहां गुण नहीं क्रिया नहीं, क्रिया रहित क्रिया। उस दिन एक महात्मा का श्रीमुख से कैसा सुंदर बात हुआ था, भगवान को तो क्रिया का सवाल ही नहीं है, अपने अपने को लेके लीला खेल करते हैं, परब्रह्म परमात्मा जोगेश्वर आत्माराम प्रेम स्वरूप सगुण निर्गुण निराकार साकार जो कहो वही है। और एक जगह में होता है, तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही अपने ऊपर अपना वर्षण कर रहा, अपना प्रकाश अपने होने के लिए। शास्त्र में जो मंत्र रखा है अक्षर ब्रह्म भगवान ने रखा है करने के लिए, जो करते करते नमः नमः मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं, यह प्रकाश होगा। और जैसा कहते हैं प्रणाम, प्रणाम माने पर ही है मैं नहीं, नाम करते करते मैं नहीं रहता, तब नाम का तत्व प्रकाश हो जाता है, ये बात है। प्रश्न करता, माँ मंत्र जप कैसे करना चाहिए, श्वास के साथ कैसे जप करें? माँ, गुरु मंत्र और इष्ट मंत्र होता है, गुरु अगर कहें तो गुरु मंत्र करो, और यदि गुरु इष्ट मंत्र करने को कहें तो इष्ट मंत्र का जप करो, जप उच्चारण करके नहीं, अंदर अंदर करो, मन में करो, मन में जप करने से नस नस में क्रिया होती है, जिससे ग्रंथि खुलने का रास्ता मिलता है, तत्व प्रकट होने का रास्ता मिलता है,
अंदर अंदर जप करने से सीधा काम होता है। जैसे वृक्ष में पानी देते हैं तो पानी जड़ में चला जाता है, ऐसे ही पानी देने के माफिक वह भी अपना जड़ में चला जाता है। पानी देने से वृक्ष जैसे हरा भरा होता है, हरा भरा माने अपना तत्व प्रकट होने का रास्ता हरा भरा होना, फल होना माने जप का फल मिलना। अपना अपना तरीका होता है, जो तरीका गुरु देते हैं उसी तरीके से करने से सब हो जाता है, हर एक तरीका हर एक के लिए नहीं होता। प्रश्न करता, मां ध्यान तो किसी प्रकार लगता नहीं, दिन भर जो काम करते हैं ध्यान में बैठने पर वही सब सामने आ जाता है, ध्यान कैसे लगे, क्या करें? मां, मन नहीं लगते हैं, सारा कार्य भी करते हैं और ध्यान भी करते हैं, इसमें ये बात है। भगवान कहा है हमारे हाथ का यंत्र बनकर कार्य करे, हे भगवान तुम ही करा रहा कर रहा, ऐसी भावना सुरक्षित रखे। जिस समय मन में कोई बाधा विभ्रम हो उस समय मन में रखे, भगवान तुम ही होना क्रिया रूप में, भगवान हमारा अंदर में एकमात्र तुम ही है, तुम जैसा चला रहा, इस प्रकार का भाव रखकर क्रिया करे, भगवत चिंतन करे तो अपने आप रास्ता खुल जाएंगे। भगवान का चिंतन से वह अपना रास्ता खोल देते हैं। प्रश्न करता, मां मुझे जप ध्यानादि के साथ क्या कोई पाठ भी करना चाहिए, जैसे गीता रामायण भागवत आदि का पाठ? मां, जो ग्रंथ पढ़ने से सारा पढ़ाई पूरा होगा वह ग्रंथ सब कोई के पास मौजूद है, उस ग्रंथ को पढ़ने पर स्पष्ट हो जाएगा कि रूप अरूप प्रकाश अप्रकाश समग्र उन्हीं में है, वे ही हैं। अभ्यास करते करते अंतर गुरु का जागरण होता है, अंतर गुरु के जागरण होने से अंतर लक्ष्य अंदर बाहर प्रकाशित होगा। तो जब तक अंतर गुरु जागृत ना हो तब तक महात्माओं का गुरु का उपदेश मानकर यह पढ़ाई करनी पड़ती है। पीछे जब अंतर गुरु जागृत हो जाएंगे तो वह ग्रंथ संपूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाएगा। प्रेम से बोलिए श्री श्री आनंदमयी मात की।